गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू नो वी वर रीडिंग चैप्टर 7 ऑफ एन एलियन हैंडबुक। लेट्स टू कंटिन्यू द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। पेज नंबर 49। चांदनी रीच्ड द हिल्स। चांदनी पहाड़ियों पर पहुंची। इट सीम्ड टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर। और उसके सामने पहाड़ियों के जो पुरानी पहाड़ियां हैं उसका स्वागत करने के लिए एक लाइन में खड़ी थी। शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन। और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक बच्चे को अपने जो काफ़ी सालों के सेपरेशन के बाद अपने पेरेंट्स से मिल रहा हो। वेयर एवर शी वेंट, वह जहाँ भी जाती, द टॉल ग्रास रोज टू एम्ब्रेस हर, बड़ी लंबी घास उसे गले लगाती। द फ्लावर्स ब्लूम्ड टू अम्यूज हर, खिले हुए फूल उसे खुश करते। एंड द विंड सैंग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम, और हवा उसके स्वागत के लिए लगातार गाना गाती। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अबू खान्स कंपाउंड। और अबू खान के आंगन में बने प्रिजन हाउस से, यानि कि जेल घर से, जो उसका बीता हुआ कल था, यह दिन, ये सब कुछ, ये पहाड़ियाँ कितनी अलग थी। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ, और ये चांदनी के जीवन का सबसे खुशी वाला दिन था। दैट डे शी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल्स। उस दिन वह पहाड़ियों की ढलान पे जो घास से भरी हुई थी वह लंबे समय तक खेलती रही या घंटों खेलती रही। शी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स, और वह जंगली बकरियों के एक समूह से मिली। हु आस्क्ड हर टू जॉइन देयर ग्रुप, और उन्होंने उनके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए उससे पूछा। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज्ड, लेकिन चांदनी ने विनम्रता से मना कर दिया। शी वॉन्टेड टू एन्जॉय हर फ्रीडम ऑल बाई हर सेल्फ, वह अपनी स्वतंत्रता का आनंद अपने आप लेना चाहती थी। द सन डिस अपियर्ड बिहाइंड द हिल्स, और सन पहाड़ियों के पीछे गायब हो गया। एंड सून डार्कनेस एनवेल्प्ड द ग्रास, और जल्दी ही घास पे, फूलों पे और पेड़ों पे अंधेरा छा गया। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, और हवा ने बहना बंद कर दिया। एंड देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस, और वहाँ पर अब केवल एक अजीब आवाज़ आ रही थी। विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस, जो झाड़ियों से आ रही थी। द साउंड वॉज लाइक ए ग्रंट, और यह साउंड गुर्राहट जैसी थी। इट वॉज इट, वट वॉज इट, यह क्या था। इट वॉजंट अबू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, यह अबू खान की आवाज़ नहीं थी जो उसे कंपाउंड में वापस बुला रहा था। नोर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट, और न ही यह किसी दूसरी बकरी की आवाज़ थी। देन चांदनी थॉट, तब चांदनी ने सोचा ऑफ द डेंजरस वोल्फ, उस खतरनाक भेड़िए के बारे में, हु लिव्ड इन द हिल्स, जो पहाड़ियों में रहता था। शी फेल्ट स्केयर्ड, अब उसे डर लगने लगा। शुड सी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान सट, क्या उसे अब अपनी सुरक्षा के लिए अबू खान की झोपड़ी में चले जाना चाहिए। नो, नहीं। शी सेड टू हर सेल्फ, उसने अपने आप को कहा, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट, कि एक छोटी झोपड़ी में जीवन से अच्छा खुले मैदान में मरना ज़्यादा बेहतर है। द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस, भेड़िया झाड़ियों से बाहर आ गया था। एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीडली एट चांदनी, और वह चांदनी को लालची नज़रों से घूर रहा था। हिज आइज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कॉल्स इन द डार्कनेस, और उसकी आंखें अंधेरे में जलते हुए कोयले की तरह शाइन कर रही थी।
ही सीम्ड इन नो हरी, और वह जल्दी में नहीं लग रहा था। ही न्यू द न्यू गोट वॉज हिज, वह जानता था कि नई बकरी उसकी है। द वुल्फ एंड द गोट सीज्ड अप ईच अदर, भेड़िए ने और बकरी ने एक दूसरे की ताकत को देखा या परखा। द वुल्फ वॉज बिग एंड फेरोसियस, वेयर एज द गोट दाउ हेल्दी वॉज स्मॉल, भेड़िया काफ़ी बड़ा और फेरोसियस डरावना था। वेयर एज द गोट सॉरी फेरोसियस फेरोसियस मीन्स डरावना, वेयर एज द गोट जबकि बकरी दाउ हेल्दी वॉज स्मॉल, जो बकरी थी वो स्वस्थ थी और छोटी थी। बट स्मॉल इज नॉट वीक, लेकिन छोटा कमज़ोर नहीं है। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, चांदनी अब भी दृढ़ता से अपने पैरों पर खड़ी थी। हेड स्लाइटली बेंट, उसने थोड़ा सा अपने सिर को झुकाया। एंड हॉर्न्स जटिंग आउट, और अपने सिंगों को बाहर निकाला, आगे की तरफ किया। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, वह साहस की तस्वीर थी। शी लुक्ड लाइक ए ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट ए ट्रेचरस एनिमी, और वह एक बहादुर सिपाही की तरह तैयार थी। टू फाइट टेरिस्ट्रस एनिमी, जो एक दगाबाज शत्रु से लड़ने के लिए तैयार थी। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, मैं एक अच्छी लड़ाई लड़नी चाहिए। चांदनी थोड़ चांदनी ने कहा, सक्सेस और फेलियर इज अ मैटर ऑफ लक और चांस, सफलता और असफलता भाग्य और अवसर के विषय हैं। द फाइट बिगेन, लड़ाई शुरू हुई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, और पूरी रात चलती रही। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, चांद जो इस फाइट को देख रहा था, बिगेन टू ग्रो पेल, अब वह फीका पड़ गया। एंड सडनली हिट बिहाइंड द क्लाउड्स, और जल्दी ही बादलों के पीछे छिप गया। द स्टार्स आल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाई वन, और स्टार्स भी एक एक करके गायब होते चले गए। अ फेंट लाइट अपियर्ड इन द ईस्ट, और पूर्व में एक हल्की सी रोशनी अपियर हुई। एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर्स केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्क्यू, और एक दूर स्थित मॉस्क्यू से प्रेयर की आवाज़ें आने लगी। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सा चांदनी लेइंग ऑन द ग्राउंड, और सूरज की पहली किरण ने चांदनी को जमीन पर लेटे हुए पाया। शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन द ब्लड, और वह पूरी तरह से खून में लथपथ थी। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, और भेड़िया भी काफ़ी थक चुका था और अब उसे ज़्यादा नींद भी आ रही थी। वॉज गेटिंग रेडी टू डेवर हर, लेकिन वो उसे खाने के लिए तैयार था। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्च्ड ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री नियर बाय, और एक पास के पेड़ पर ही पक्षियों का समूह बैठा था। वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट, जो इस लड़ाई के रिजल्ट के बारे में बहस कर रहा था। हु इज द विनर, विनर कौन है। वन ऑफ देम आस्क्ड, उनमें से एक ने कहा। द वुल्फ ऑफ कोर्स, भेड़िया, मोस्ट ऑफ देम सेड, लेकिन ज़्यादा उनमें से ज़्यादातर ने कहा द वुल्फ इज द विनर, कि भेड़िया विनर है। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस, एक बूढ़े बुद्धिमान पक्षी ने बड़े कॉन्फिडेंस विश्वास के साथ घोषणा की, चांदनी इज द विनर, की चांदनी विनर है। कंप्रिहेंशन चेक, क्वेश्चन नंबर वन, व्हाई डिड चांदनी रिफ्यूज टू जॉइन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट्स, चांदनी ने जंगली बकरियों के ग्रुप को ज्वाइन करने से मना क्यों किया। क्वेश्चन नंबर टू, चांदनी फोट द वुल्फ बिकॉज शी वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, चांदनी भेड़िए से लड़ी बिकॉज क्योंकि शी वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, वह भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर थी। हेटेड द वुल्फ, भेड़िए से घृणा करती थी। हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कॉस्ट, वह किसी भी मूल्य पर अपनी फ्रीडम को बनाए रखना चाहती थी। टिक द थर्ड।
एक्सरसाइज डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन द ग्रुप्स. क्वेश्चन नंबर वन, व्हाई डिड द वाइज ओल्ड बर्ड सैड चांदनी इज द विनर. उस बूढ़े बुद्धिमान पक्षी ने क्यों कहा कि चांदनी विनर है. क्वेश्चन नंबर टू, डेथ इज इन एन ओपन फील्ड इज बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट. एक छोटी झोपड़ी में जीवन से ज़्यादा बेहतर खुले मैदान में मर जाना है. चांदनी सेड टू हरसेल्फ. चांदनी ने यह अपने आप को कहा. वॉज इट द राइट डिसीजन. क्या यह सही निर्णय था. गिव रीजन फॉर योर आंसर. अपने आंसर के लिए कारण दे. क्वेश्चन नंबर थ्री, फ्रीडम इज लाइफ. स्वतंत्रता जीवन है. डिस्कस दिस विद रेफरेंस टू चांदनी एंड आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज. हमने डिस्कस करना है चांदनी और आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज. जो हमने लेसन सिक्स पढ़ा था उसके संदर्भ में हमने इन पॉइंट्स को डिस्कस करना है. वेल स्टूडेंट्स, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस. दिस इज योर टूडेज वर्क. थैंक यू एंड रीड दिस लेसन 2 or 3 टाइम. थैंक यू.